चैप्टर नंबर 11, एक अच्छे बच्चे बने। आपको हम पढ़कर बताते हैं इस लेसन में दी हुई कहानी, जो हमें बताती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। एक नटखट बंदर के बारे में ये कहानी पढ़िए और जानिए कि वो कैसे व्यवहार करना सीखता है। डोडो शरारती बंदर। डोडो बंदर कॉलोनी में अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत शरारती था। वो अपने सभी पड़ोसियों को परेशान किया करता था। वे रोज आकर उसकी माँ से शिकायत करते थे। अलग अलग लोग अलग अलग शिकायतें करते थे, जैसे डोडो ने आज हमारी कुर्सी तोड़ दी, डोडो मेरी रसोई में आया और सारा खाना खा लिया, डोडो ने मेरे कपड़े पड़ोसी के घर में फेंक दिए। डोडो की माँ ने उसे डांटा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। एक दोपहर डोडो अपने पड़ोसी के बगीचे में गया। वहाँ एक पेड़ से बहुत सारे आम लटके हुए थे। वो बहुत खुश हुआ। उसने उनमें से बहुतों को खा लिया। जब उसका पेट भर गया तो उसने बाकी को छीलकर पूरे बगीचे में फेंक दिया। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आया, सो वो और भी कई घरों में गया और वही किया। शाम को पड़ोसियों ने उनके बगीचे देखे। वे बहुत गुस्से में थे। वे डोडो के घर आए। उन्होंने उसकी माँ से कहा, हम डोडो से बहुत तंग आ चुके हैं। यदि वो नहीं बदलता है तो तुम्हें ये बस्ती छोड़कर कहीं और जाना होगा। डोडो की माँ ने उनसे सॉरी कहा और रोने लगी। उसे रोता देखकर डोडो को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मम्मी मुझे बहुत खेद है, मैं फिर कभी भी शरारती नहीं बनूंगा, कृपया रो मत। उसने अपने सभी पड़ोसियों से भी सॉरी कहा। उसी दिन से डोडो बन गया एक अच्छा बंदर। उसकी माँ और पड़ोसी अब उससे खुश थे। प्रश्न समय, हाँ या ना लिखो। एक, डोडो बहुत नटखट था। हाँ। दो, उसके पड़ोसी उसे काफी पसंद करते थे। ना। 3, वो हमेशा अपनी माँ की सुनता था। ना। 4, पड़ोसियों ने उसकी माँ से कहा कि अगर डोडो नहीं बदला तो वो कॉलोनी छोड़ दे। हाँ। 5, डोडो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। हाँ। 6, वो कभी अच्छा बंदर नहीं बना। ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।